प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम अपूर्वा है। यह हैं सदुलपुर राजस्थान, 30 जनवरी 1979 सुबह 7:29 और सदुलपुर मैंने बताया है। इस आधार पर सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। ये अंगिरा संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। सुखी तो हैं पर मानी और अभिमानी भी है। अंगिरा संवत्सर में जन्मे लोगों में यह बात बड़ी गंभीरता से देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपने ही बल पे सारी चीजें करना चाहता है, वो किसी के भरोसे आगे नहीं बढ़ना चाहता, सब कुछ उसका अपना हो। अब ऐसे सोच को आप अपने अंदर में बिठा लो, जहां अंगिरा संवत्सर में जो लोग जन्मे होते हैं वो पार्टनरशिप किसी भी काम में पसंद नहीं करते, उनका सब कुछ अपना होना चाहिए, वो कभी भी किसी भी काम में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। ये बड़ी अद्भुत और अनोखी बात है इनकी। आगे बढ़ता हूं, माघ मास में इनका जन्म है। व्यक्ति माघ का मतलब बाघ, तो बाघ हो जाता है। उत्तरायण का जन्म हुआ, मतलब आत्मविश्वास तो बिल्कुल चरम पे है, माता पिता का सहयोग मिलता रहे और माता पिता का लाभ भी मिलता रहे, अलग बात है कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा, पर उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रारब्ध और व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति के अंदर जीवन में खुशी और दुख का माहौल प्रायः कम होता है दक्षिणायन वालों से, पर व्यक्ति के पास शुद्ध वैश्विक और शुद्ध सनातनी होने का प्रमाण भी मिलता है। व्यक्ति का जन्म अगर उत्तरायण में हुआ हो तो उसकी कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सब बलशाली हो जाते हैं, मतलब मजबूती की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सभा को संबोधित करने की शक्ति जो होती है व्यक्ति के अंदर, वो बड़ी दिव्य होती है। व्यक्ति बुद्धिमान और वाक चातुर्यता के गुणों को रखने वाला होता है। आगे बढ़ के बताता हूं, शिशिर ऋतु में शनि के प्रभाव के कारण व्यक्ति का काम प्रायः मशक्कत से धीरे धीरे और स्थिरता के साथ प्राप्त होता है। कष्ट तो मिलता ही है जीवन में, आरंभ में तो बहुत सारे कष्ट और तकलीफों से गुजरना पड़ता है व्यक्ति के जीवन को, कहीं ना जाइएगा। ये कार्यक्रम आप लोगों को मैं इसलिए थोड़ा आराम से बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझा सकूं कि कुंडली वास्तव में कैसे देखी जाती है। वस्तुतः एक बात और है जो आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पास कुंडलियों की जो बुकिंग होती है वो थोड़ी लेट की मिलती है। मैं अपॉइंटमेंट आराम से देखता हूं, कुंडली एक दिन में 3 कुंडली देखता हूं, उससे ज्यादा नहीं देखता, पर एक कुंडली पे बात अच्छे से करता हूं, और इस वजह से मेरे यहां अपॉइंटमेंट देर से मिलती है पर लोग भाग भी जाते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इतनी बात उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी कुंडली को वक्त दीजिए, उसको समझिए, उससे समाधान तो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक बात जो बड़ी गंभीर है कि अगर कुंडली का समाधान अगर मिल जाता, अगर आपकी समस्या का कोई हल होता, तो जरा सोच के देखो कि राजा परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा था, क्या उनको नहीं बचाया जा सकता था? और फिर अभिमन्यु क्यों मारे जाते, बचा लिए जाते? वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के पुत्र थे और साक्षात भगवान नारायण के शिष्य थे, पर कहां बचा पाया कोई उन्हें? जो बात लिख दी गई है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, चाहे आप जितना भी फी दे करके दिखा लो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कुंडली बांची जाती है, कुंडली को जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा बांची जाती है ना पंडित जी के द्वारा 5वें और 7वें अध्याय, वो बांचने की बात है। जिस तरह से पंचांग बांची जाती है उसी तरह से ये कुंडली बांचने की बात है। मेरी कुंडली में मेरे परमात्मा ने मुझे क्या क्या दिए हैं ये जानने की बात है। आराम से बैठ करके उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जो मैं करता हूं और वास्तव में करता हूं, अन्यथा तो आप कहीं दिखा लो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट काफी है, खुल के बोलता हूं, यही होता है। अब आगे नहीं बोलूंगा पर आगे बढ़ता हूं। शिशिर ऋतु का प्रभाव यह था, शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि का चंद्रमा पापक, इस वजह से वो मन को रुष्ट करने का काम, परेशान करने का काम, दुर्बुद्धि से युक्त, पापी प्रभाव से युक्त, दुर्गुणों से भी कई बार युक्त हो जाता है, जबान पे कई बार कंट्रोल ना रहे, इन्होंने ऐसा लिखा भी है, जबान पे कंट्रोल ना रहे, कुछ भी बोल दे और मन हमेशा व्यथित और चिंतित रहता है, ये बात दिखती है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो संतानहीनता की स्थिति तो नहीं बनेगी, पर हां कष्ट की स्थिति भी कई बार बनती है। व्यक्ति की वाणी प्रबुद्ध है और लाक्षणिक है, लक्षण से युक्त है। मंगलवार को जन्मे हैं
तो इस वजह से भी उग्रता तो रहेगी और प्रभाव तो ऐसा रहेगा कि उग्र है, व्यग्र है, चिंतित है, व्यथित है, परेशान है और उसमें जल्दबाजी भी है। अब वो किसी भी तरीके से व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही उसके प्रभाव देखने को मिल ही जाएंगे। तैयार है यहां तक, आगे बढ़ो। इनका जन्म शतभिका नक्षत्र में हुआ है, बहुमुखी, बहुआयामी और बहुत सारे गुणों को रखने वाला, रिसर्च के क्षेत्र में जाने वाला। इन्होंने सवाल पूछा है कि अष्टम भाव से संबंधित इनके सवाल ज्यादा हैं कि क्या मैं गुप्त विद्याओं के जानकारी को प्राप्त कर सकती हूं। 100% कर सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु शनि यहीं बैठे हैं, यहां का अधिपति सूर्य आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है, तो ये तो गुण और रहस्यमय विद्याओं का भाव होता ही है अष्टम भाव। वो भाव बढ़िया बना है, वो शनि और राहु, तो छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने का काम राहु का होता है। आपकी कुंडली में उसका सवाल हां में है, 100% जा सकते हो और आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी जा सकते हो। आप बुद्धिमान हो, लग्न में सूर्य बुध और मंगल का प्रभाव है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जन्म कुंडली में जरा गौर करी तो सुख के अधिपति भी लग्न में ही उच्च के होकर के बैठे हैं, ये अद्भुत है, आगे बताऊंगा उस पर। तैतिल करण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में इंतजार करने की बिल्कुल भी स्थिति कमजोर, एग्रेसिवनेस बहुत ही जल्दी हावी हो जाती है, व्यक्ति तुरंत ही फटाफट कुछ भी बोल देता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति थोड़ा मोटा है, मजबूत है और बर्बर भी है, हिंसक भी होता है कई बार। हालांकि वो हिंसक कई बार नहीं भी होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा हिंसक ही कहूंगा, क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है और किसी भी तरीके के विचारों से अपने प्रभावों को प्रेरित कर देता है, मतलब किसी भी तरीके के प्रभाव में जल्दी आ जाता है, किसी दूसरे से प्रभावित हो जाना। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में चापलूसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट, ये सब चीज हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल है ये, और ये संभव भी है। मतलब राजसिक और तामसिक वृत्ति ज्यादा हो गई ना, राहु के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति बहुमुखी है। अब वो स्टेज पे होगा तो किसी को भी कुछ भी नहीं समझे और सामने से आने वाले प्रत्येक चीज को वो पहले से ही समझ जाए, पूर्वाभास, छठी इंद्री जागृत, स्वप्न के माध्यम से चीजों को समझने की योग्यता और क्षमता रखना, पीछे क्या हुआ है उसको जानने की शक्ति जागृत करना। ये शूद्र और राक्षस, ये छठी इंद्री, इन लोगों की बड़ी जागृत होती है और बड़ी मजबूत होती है। ये भाव बड़ा बढ़िया, मतलब अगर शूद्र वर्ण और राक्षस गण के लोग हैं तो उनके जीवन में स्वप्न के माध्यम से वो कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझ लेते हैं और वो उसको जान जाते हैं कि कैसी स्थिति मेरे जीवन में निकटतम में होने वाली है, मेरे साथ कौन सी घटना घटित होने वाली है। और ये दरअसल इन लोगों के बारे में बड़ा आसानी से इनको ये एक प्रकार का अनुभव भी होता है, तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। अब कुंडली पे आता हूं। कुंडली आज अलग तरीके से देखूंगा, थोड़ा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा, पर फिर भी संपूर्ण समेटूंगा, तो घबराइएगा मत। नक्षत्रों पे भी चर्चा करूंगा, कहीं जाना नहीं, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं, ये गंभीर है और बहुत ज्यादा। ये कार्यक्रम ऐसा जहां आपको कई सारी चीजें एक साथ सम्मिलित होकर के मिल जाएंगी। सबसे पहले बात सूर्य की करते हैं, वो कहां बैठा है, उसको कहां बैठना चाहिए था। अगर हम चर्चा करते हैं, सूर्य को बैठना था यहां, लेकिन वो ग्रह बैठ गए हैं जाकर के अष्टमेश लग्न में। अब व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंबार भी लगेगा और उसको आयु भी मिलेगी। वो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे भी बढ़ेगा, सोचने वाला भी होगा, गोते लगाने वाला होता है विचारों में, समुद्र के अंदर गतिशील होता है और ना जाने कैसे कैसे विचारों के मोती चुरा लाता है। ये व्यक्ति को एक जगह शांत नहीं बैठने देगा, स्थिर नहीं रहने देगा व्यक्ति को। और वो ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला और अच्छे और श्रेष्ठ और कुछ अजीब तरीके के लक्ष्यों को लेकर के चलने वाला होता है। उसकी सोच अलग, विपरीत और विकसित होती है। वो समाज के अन्य लोगों की तरह उसकी सोच कभी भी जाहिर नहीं होती है। वो किसी भी चीज पे अपनी राय अलग और विस्तृत रखता है। ये विस्तार का भाव है, ये स्वभाव का भाव है। स्वभाव भाव का अधिपति लग्न में सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठेंगे तो चंचलता, गंभीर भी रहेगा, प्रभाव में तेज रहे, चेहरे पे दिव्य मुस्कान, छटा दिव्य, और व्यक्ति कभी कभी मंगल के होने के कारण सांवला भी होता है और क्रूर भी हो जाता है। हाँ हाँ, मंगल के होने के कारण बहुत ज्यादा ऊंचे कद का तो नहीं होता, पर यहां पे मंगल और बुध को जरा देखिएगा तो मंगल 13 डिग्री के और बुध 8 डिग्री के हैं। अब मैं ग्रह की अवस्था तो अंतिम में बताऊंगा, पर सबसे पहले बता दूं तो सूर्य अपने भाव से जा करके लग्न में बैठे हैं। अब व्यक्ति की कुंडली में आयु ऐसे ही जुड़ जाती है, समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, खोज और रिसर्च के क्षेत्र में जाने का भाव भी पैदा होता है,
समाज सेवा का जागृति, समाज सेवा में और सोशल वर्क में जाने की स्थिति और होड़ मची रहती है। व्यक्ति कभी भी किसी के दुख को देख करके कमजोर पड़ जाता है। ये सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धि से कुशाग्र बना देते हैं, कुशा के अग्रभाग के जैसा तीव्र, प्रखर और बुद्धिमान, किसी भी चीज पे बहुत सोचने वाला, निर्णय लेने में कभी भी जल्दबाजी ना करने वाला। मंगल का प्रभाव उन्हें जल्दबाजी पना से युक्त रखता होगा, पर वो थोड़ा कमजोर। मकर राशि और मंगल उच्च के लग्न में, मतलब व्यक्ति के पास कभी भी अकर्मण्यता का भाव नहीं। ये मूलतया यहां की राशि है और जो बन गई है लग्न में, मतलब व्यक्ति के जीवन में लाक्षणिक तौर पे हमेशा ही कर्म में स्थित रखना, अपने आप को कार्मिक और शुद्ध कार्मिक बनाना। और मंगल श्रवण नक्षत्र में, मंगल श्रवण नक्षत्र में उच्च के हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में केतु के साथ ग्रहण में है, पर वो दूर है, तो यहां पे ग्रहण बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं मिल रहा है। वो उन लोगों में बहुत ज्यादा भेद होने के कारण वहां पे ग्रहण की बात बहुत ज्यादा, अगर ये ग्रहण होता तो दाम्पत्य टूट जाता, और कई बार उसके अगर थोड़े बहुत प्रभाव दिखने को मिलते भी होंगे तो कभी कभी आपसी वैमनस्य के भाव दिखते होंगे, हालांकि वो आप ही की तरफ से है, पति की तरफ से नहीं। यहां पे जन्म कुंडली में चंद्रमा की अगर बात करता हूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में, चंद्रमा की दशा कमजोर जाने वाली स्थिति में देखी जा रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए कमजोर होंगे क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए वो मारक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होकर के खुद के घर में ही गुरु को उच्च का बिठाया। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, गौर से देखिए, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, यहां शनि जो है वो इस नक्षत्र के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में निकट ही बैठे हैं, पर वो अष्टम भाव में आयु दे रहे हैं और व्यक्ति के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि और कई सारे क्षेत्रों का ज्ञान का अर्जन कराने का भाव पैदा करते हैं। व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहने का, पढ़ते रहने का, ज्ञान अर्जित करने का, नया अनुभव इकट्ठा करने का, नए लोगों से मिलने का, मित्र बनाने का, ये सब इसके अंदर है। घूमने का शौकीन और कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को पाने, मतलब मस्ती भी करेगा पर काम उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और कई बार कि व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं अभी देख रहा हूं तो अभी दशा चल रही है शनि की, तो पिछले कुछ सालों से जब तक शनि की दशा पूरे जो जब तक रही है और अभी इनकी कुंडली में रहेगी 2025 तक, तब तक व्यक्ति को एकाकीपन, अकेलापन और निष्ठुरता का भाव, आइसोलेट होना, जीवन से मुक्त हो जाना, पद मुक्त हो जाना, खोज और रिसर्च के क्षेत्र में जाना, गुड़ और रहस्यमय विद्याओं के पीछे व्यक्ति का अनुभव ज्यादा जाता है, उस उधर दिलचस्पी लेने की स्थिति बनती है। क्लियर है यहां तक? चंद्रमा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में कभी भी धन की हानि नहीं और धन का प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं। व्यक्ति की कुंडली में वहां ग्रहण जरूर लगा है लेकिन वहां पे राहु का प्रभाव है और राहु जो बैठे हैं वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूं कि धन की कमी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। आरंभ के बाद के बारे में अगर हम चर्चा ना करें तो फिर भी मैं कहता हूं कि जब भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से राहु और शुक्र का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को धन की स्थिति में कभी भी कमजोरी नहीं होती। क्लियर है? यह चंद्रमा की बात थी, पर वो ग्रहण में है इस वजह से थोड़ा सा प्रभाव अगर उसका जो रहेगा, हालांकि ये कोई भी ग्रह अगर ग्रहण में बनेगा, जैसे चंद्रमा के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डिग्री में बहुत ज्यादा वो अंतर में है, 6 डिग्री पे रहते तो बहुत ज्यादा वो ग्रहण का प्रभाव रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहां तो बहुत ज्यादा अंतर है, 11 डिग्री के चंद्रमा, 24 डिग्री के केतु, ये चंद्रमा बहुत पीछे है और चंद्रमा का नक्षत्र शतभिका का है और वो राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में, राहु का संबंध शुक्र से और द्वितीय भाव पे देखना तो ये बात अच्छी है, पर चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव है जो लग्नेश है, तो व्यक्ति के मन को मथने के साथ साथ व्यक्ति में बल भी देगा और स्थिरता भी देगा। ये मंगल जो इनको उग्र बना रहे हैं उच्च के होकर के, वो चंद्रमा के ऊपर राहु और शनि के प्रभाव से व्यक्ति के मन को रोगी बनाने के साथ साथ व्यक्ति के दिमाग में और व्यक्ति को पेशेंस से भी युक्त रखने का काम करते हैं। शनि ऐसा प्रभाव भी विकसित करेंगे क्योंकि लग्नेश है, वो खराब नहीं है। लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे, अब सामान्यतः एक बात जरा समझना, तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और व्यक्ति को नौकरी देते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? गौर करिए, सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। सूर्य की राशि में शनि, शनि की राशि में सूर्य, ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में लाभ। क्यों ऐसा? क्योंकि गौर करो तो आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं यहां, पर काल पुरुष की कुंडली में ये 5 नंबर तो यहां लिखा होता है और इस भाव से चतुर्थस्थ देखिए एक शुभ ग्रह शुक्र बैठे, इस भाव को बल मिला। इस भाव से चतुर्थस्थ त्रिकोण भाव जहां का अधिपति इसे खुद देख रहा है तो इस भाव को बल मिला, यानी कि यश, कीर्ति, सम्मान और प्रेम
ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में स्थिति आराम से बन रही है। व्यक्ति अगर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ करके कोई भी काम करना चाहता है 100% कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करिए यहां पे 6 नंबर की राशि बनी है, धर्म भाव है, और धर्म भाव का अधिपति ही लग्न में सूर्य जैसे नैतिक तत्व के कारक ग्रह के साथ बैठे और गुरु उच्च के, तो 100% व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में, मंदिरों के क्षेत्र में, कोई भी देवालय बनाना हो, कोई भी सराय बनाना हो, कोई भी सामाजिक कार्य करना हो, कोई भी सामाजिक गतिविधि में अपने आप को शामिल करना हो, कोई भी मठ बनाना हो, मठाधीश बनना हो, मंदिर का पुजारी बनना हो, ये सारा काम आपसे गुरु करवाते हैं। और वो पति भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में कि पति कभी कभी ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और डिग्रीधारी होते हैं, पढ़े लिखे समझदार और बेहतरीन होते हैं कद काठी के, ये अच्छा है। पर उन लोगों में जब तीखी बहस होती है तो वो इसलिए क्योंकि गुरु का ज्ञान उच्च का है, पति उच्चा है। गुरु उच्च के होने का मतलब क्या है? पति बढ़िया, मजबूत इच्छा शक्ति का और मजबूत बुद्धि का, उसके पास तार्किक क्षमता है क्योंकि सूर्य और बुद्ध उसे देख रहे हैं। गुरु और मंगल व्यक्ति को शिक्षक बनाते हैं। अब ये मुझे पता नहीं ये क्या है, पर गुरु और मंगल शिक्षक योग लगाते हैं तो शिक्षक योग बनाते हैं। सूर्य और बुद्ध सरकार का लाभ, शनि और सूर्य का परिवर्तन सरकार का लाभ, सरकार से जुड़ करके लाभ, और व्यक्ति के कर्मठ होने का प्रभाव मंगल उच्च का लग्न में, ये सब चीजें अच्छी हैं। मंगल उच्च के और श्रवण नक्षत्र में जिसका अधिपति चंद्रमा धन देता हुआ देखा जा रहा है, व्यक्ति को कभी भी धन हानि की स्थिति में नहीं जाना पड़ता है, ये एक अद्भुत बात है। और शुक्र एकादशवें भाव में बैठे हैं। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो गुरु से गौर करिए वो षडाष्टक में है और ये ठीक नहीं होता। तो चंद्रमा और गुरु का संबंध अगर कुंडली को कमजोर कर रहा हो तो निस्संदेह व्यक्ति को धार्मिक और धर्म पे आगे बढ़ना चाहिए, धार्मिक हो जाइए। खुद तो व्यक्ति खाता ही है, कई लोगों को खिलाता है, आतिथ्य सत्कार में बड़ा मन लगता है, खुद का पेट भरे ना, भले ही खुद के तन पे कपड़े ना हो पर दूसरों को देना चाहता है, ये गुरु और चंद्रमा का योग है। पर ये कभी कभी निगेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा, पर इसको ध्यान देना होगा, कहीं आप सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक सेवा और सुशोषा के क्षेत्र में इतने आगे ना निकल जाओ कि खुद के ही धन को बिल्कुल ही ऋण में डाल दो या खुद को ही ऋण में डाल दो। क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि गौर करिएगा अष्टम भाव पे है, वहां शनि बैठे हैं। कई बार व्यक्ति को रोग से, स्वास्थ्य से लड़ने के लिए अपने पास बैलेंस बना करके रखना होता है, नहीं तो कई बार धन हरण करने की, धन को हरित करने की, धन के हरे जाने का भाव भी पैदा होता है। क्लियर है? ये मंगल की बात। बुध जन्म कुंडली में बनते हैं, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रतियोगिता और भाग्य, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न में बैठे, पर व्यक्ति को ऋणी भी बनाते हैं। व्यक्ति के जीवन में ऐसी भी स्थितियां कई बार आती हैं जहां वो कुछ भी अपने ही बल पे तो करेगा, ये तो मैंने शुरू में ही बात कही थी, लेकिन धर्म को साथ रखने के साथ साथ उसके जीवन में प्रतियोगिता भी कम नहीं, क्योंकि प्रतियोगिता भाव का अधिपति भी लग्न में ही बैठा है, मंगल उसको बल दे रहा है। मंगल और बुध एक साथ, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में शिक्षक बनने का प्रभाव, व्यक्ति के तार्किक होने का प्रभाव, व्यक्ति को बुद्धि से मजबूत, ऋण में रहना, दूसरों के लिए कर्ज ले लेना, दूसरों के लिए जीवन को परेशानियों में डाल देना, कुटुंब जन तो हैं पर कई बार वो साथ नहीं देते। अगर ग्रहण ये एक्टिव होता, अब यहां पे वो अंतर बता देता हूं, अगर यहां पे ग्रहण होता तो कुटुंब जन रहते हुए भी नाकाबिल होते या फिर उनका लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर ये ग्रहण नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये सीधा सा स्पष्ट अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण और सभी प्रकार के संबंध सबके साथ अच्छे हैं। अब आप खुद से ही इस चीज का पता लगा सकते हो कि ग्रहण का प्रभाव कैसा है। अगर धन की कमी हो रही होगी, धन बच नहीं रहा होगा और धन लगातार एक जैसा नहीं आ रहा है, किसी ऐसे सोर्स से जहां से आपके पास लगातार पैसे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रहण है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके पैसे कमा रहे हो, आपके पास आपके घर में धन की स्थिति कमजोर नहीं है और धन सही है, सही जगह पे खर्च भी होता है, प्रायः भौतिकीय सुख सुविधाओं का अंबार भी है और जीवन में पैसे की कभी कमी शुरुआत के बाद एक लेवल में शनि के बाद या फिर ऐसी स्थितियों में आने के बाद उसकी अगर कमी नहीं है तो निस्संदेह आपको यह ग्रहण परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, बुध पे आता हूं, बुध पे ही था। बुध सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा द्वितीय भाव में और सूर्य लग्न में, यह बहुत बढ़िया। बुद्धिमान होने का प्रभाव और प्रमाण, और कुशाग्र होने का प्रभाव और प्रमाण, दोनों है। यह अद्भुत और विलक्षण क्षमता का मालिक बना देता है क्योंकि लग्न में ही सूर्य और बुध बेहतरीन, तर्क की क्षमता बहुत विकसित हो, यादाश्त क्षमता बहुत विकसित हो, व्यक्ति की बुद्धि बहुत प्रखर और बुद्धिमान होता है, इसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह बुद्धादित्य योग लग्न में बना, उच्च का मंगल रुचक योग का निर्माण कर रहा है और जन्म कुंडली में शनि और सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टमेश के साथ लग्नेश का परिवर्तन कई बार कष्ट देता है जीवन के आरंभ में बहुत ज्यादा, और तकलीफें इतनी कि सर से पानी गुजर जाए। किसी अच्छे भाव से तो परिवर्तन हो नहीं रहा है,
भाग्य के अधिपति लग्न में थे, इस वजह से भाग्य आपको हमेशा बल देता रहा। शनि 5 नंबर की राशि में बैठे थे, इस वजह से आपके पास ढाढ़स और आपके पास कम से कम उत्साह बना रहा। ये उत्साह है ना, हाँ ये उत्साह है। इसका छठा तो बल भी रहा। किसी भी भाव का छठा कौन है? किसी भी भाव का छठा उसका बल है, फोर्स। तो इस ये उत्साह भाव यहां का अधिपति उच्च का, तो व्यक्ति के पास कभी भी साहस की कमी नहीं रही। दाम्पत्य हमेशा बेहतर बना रहेगा, कभी भी उसकी समस्या नहीं रहेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो, गुरु की बात करता हूं। जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र में, जहां वो बेहतरीन नक्षत्रों का राजा, और शनि का नक्षत्र जहां शनि अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को नाखून से संबंधित, पेट से संबंधित, पिंडलियों से संबंधित, गंभीरता से अगर विचार करते हैं तो मांसपेशियों में गैस्ट्रिक की समस्या भी, और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत और गैस्ट्रिक की समस्या, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, पेट में गंभीर बीमारी होने का खतरा क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, रूटीन चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए क्योंकि राहु वहां बैठे हैं इस वजह से। पर राहु और शनि जन्म कुंडली के द्वितीय अष्टम भाव में बैठे हों, और जो कि सप्तम का दूसरा है, व्यक्ति का ससुराल पक्ष बड़ा धनी होता है और ससुराल से उसके संबंध भी हमेशा अच्छे होते हैं। अगर ये महिला है तो निस्संदेह पति भी अच्छा होगा, पर वो तिकड़मबाज है, वो सोचने वाला है और किसी भी सवाल का उत्तर वो ऐसे नहीं देगा। हाँ, और धन भी कभी कभी बड़ी मशक्कत से आता है आरंभ में जीवन के, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये शनि राहु ऐसा कराते हैं, और कई बार व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि वो किसको क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव यहां भी दिखेगा। हाँ हाँ, पूरक है ना इसका। तो स्वभाव में शनि राहु बैठे, ये स्वभाव का भाव है, ये व्यवहार है, जन्म कुंडली का 8वां भाव। उस पर अगर 2-2 पापग्रहों का प्रभाव होगा तो क्या होगा? व्यक्ति को कलुषित, तिकड़मबाज, कई बार धोखा देने वाला। मकर लग्न के हैं तो कई बार भरोसेमंद, या फिर कई बार लोग आपका भरोसा ना करें। सूर्य बुध है तो उसका प्रभाव है तो आप करवा लेते हो, पर कई बार वो सामान्यतया आप किसी का भरोसा नहीं जीत पाते। जितना मिलना चाहिए समाज से कई बार वो लाभ नहीं मिल पाता, या फिर सम्मान नहीं मिल पाता। सूर्य बुध दे सकते हैं, उनके पास आकर्षण शक्ति है, ये आकर्षण पैदा करते हैं सूर्य बुध। मेरी खुद की कुंडली में लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं, आकर्षण का भाव है ये, तो आकर्षण पैदा करते थे। आप मुझे क्यों सुन रहे हो? मेरे जैसे कितने हैं, और मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है। पर यह भाव कहां से आता है? क्योंकि लग्न में ही सूर्य और बुध, और मंगल तो सेनापतित्व का गुण रख लेता है, उसके पास तो इतनी ऊर्जा है कि वो किसी को भी जाने ना दे। ऐसी बात है। गुरु बढ़िया, लाभ को देखे, शुक्र का अनुभव को देना, और जीवन में प्रत्येक प्रकार से, कई प्रकार से शुद्धतम स्थिति से जाकर के पैसे कमाने का भाव पैदा करता है। वो किसी को भी ठगना नहीं चाहता है, लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि गौर करिए, ये चतुर्थ सप्तम दशम स्थान से केंद्र में और सुख से केंद्र में, तो सुख को भी मजबूती मिल रही है। मैंने क्या बात बताई थी ये कुंडली के कार्यक्रम में, कि जिस भी स्थान से अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो और जिस भी स्थान से कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो इनकी कुंडली में प्रभाव प्रतियोगिता का लाभ, यहां का लाभ मैंने बताया साहस, और यहां का लाभ, क्योंकि किसी भी भाव से अगर कोई पापग्रह तीसरे और छठे बैठा होता है तो उन भावों में बल देता है। तो यहां पे पराक्रम में बल बढ़ेगा और प्रतियोगिता में भी बल बढ़ेगा शनि के कारण, क्योंकि इस भाव में जहां वो बैठे हैं, इस भाव से वो तृतीय हैं और इस भाव से वो छठवें हैं। ये बात है। और सुख भाव क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु, और इस भाव, ये कैरियर वाला भाव क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि गौर करिए तो यहां पर कौन कौन से ग्रह बड़े अच्छे हो जाते हैं? यहां पर बड़े अच्छे होते हैं मंगल, यहां पे बड़े अच्छे होते हैं गुरु, यहां पे बड़े अच्छे होते हैं शनि, यहां पे बड़े अच्छे होते हैं राहु, यहां बड़े अच्छे होते हैं सूर्य, यहां बड़े अच्छे होते हैं सब, केतु को छोड़ के और शुक्र को छोड़ करके। तो गौर करिए, इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि यहां, तो कौन सा देख रहा है? उच्च की दृष्टि से शनि ने देखा, लग्नेश उच्च की दृष्टि से दशम को। कैरियर वाला क्षेत्र कभी भी परेशान ना हो, सरकार से कभी भी नुकसान ना हो, और व्यक्ति को कैरियर को लेकर के कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना हो। यह भी है। उसके बाद गुरु इस भाव से केंद्र में, इस भाव का अधिपति धनदायक है, कैरियर हमेशा धन देगा, कैरियर हमेशा धनदायक है। एक लेवल में आने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, वो आराम से जीवन जीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में यहां का अधिपति उच्च का है। सुख तो व्यक्तित्व में ही है, माता का सुख, और व्यक्ति के ऊपर माता का प्रभाव भी है ज्यादा। माता का प्रभाव है,
माता से प्रभावित है, माता की तरह उठना बैठना चलना घूमना फिरना, उनसे उनसे प्रभावित हो जाना ज्यादा। क्लियर है यहां तक? गुरु की सातवीं दृष्टि यहां पर नीच की है। वो वहां का अधिपति लग्नेश जाकर के अष्टम में बैठा, ये कमजोर, राहु के साथ बैठा पर वो शत्रु के साथ परिवर्तन कर रहा है, तो तीन चीजें कमजोर हो गई। लेकिन उच्च का गुरु अगर उसे देखेगा तो व्यक्ति को धार्मिक और प्रभावित तो करेगा, लेकिन इस कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते। बारहवें और तीसरा, तो अब क्या हो, चूंकि बारहवें भाव के अधिपति उच्च के हैं तो व्यक्ति के दाम्पत्य में और सैया सुख का भाव उच्च का है, बेहतर है, सैया सुख के भाव में कोई कमजोरी नहीं। पराक्रम भाव को देखेंगे अपनी राशि को तो व्यक्ति के पास संचार का माध्यम बहुत बढ़िया है, उसके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में उस बेटर स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य बुध लग्न में, मंगल लग्न में संचार, व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करे बहुत अच्छा है, वो शिक्षक बन जाए, वो ट्रांसपोर्ट आदि के क्षेत्र में काम करे, वो सामाजिक क्षेत्र में काम करे, वो किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है जिससे लोगों को लाभ हो। और गुरु अगर उच्च की दृष्टि से, अगर गुरु अगर उच्च के बैठे हों, और यहां पे ये ना कहना कि उच्च के हैं वक्री हो गए तो नीच के हो गए, ऐसा नहीं है। वक्री ग्रह अगर उच्च का भी हुआ है उसके उच्चत्व में वृद्धि हो गई, अगर नीच का है तो उसके नीचत्व में वृद्धि हो गई। ये है। अब डिग्री को देखिए, ये 9 डिग्री के हैं, मतलब इनका कुछ प्रभाव जन्म कुंडली के छठे भाव से भी देगा, तो पेट का रोग व्यक्ति को शामिल करता है जीवन में। आप जरा गौर करना, अगर आपके जीवन में या फिर आपने अगर अपने आप को पेट से समस्याओं से ग्रसित समझा है तो निस्संदेह ये गुरु का प्रभाव होगा, छठे भाव में गुरु का प्रभाव। तो 60% से कम 40% तक का परिणाम 9 डिग्री के होने के कारण छठे भाव का मिलेगा, इस वजह से भी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं में जाना पड़ता है, ये बात भी दिखती है। ये गुरु की बात थी। मंगल की बात कर लेता हूं। मंगल की चौथी दृष्टि यहां, ये अद्भुत धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव यश कुल और संपूर्ण प्रकार के सुखों को देने वाला, क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहा है, पर दूरी भी देता है, कई बार भेद पैदा हो जाता है और ना चाहते हुए भी झगड़ा करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता है, उसमें मशक्कत करनी पड़ सकती है, पर वो मिलेगा आपको, नौकरी भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा, वाहन का सुख भी है, ये सब स्थिति है। ये तो सामान्य सी बात है, इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मंगल की सातवीं दृष्टि यहां और आठवीं यहां, इसकी चर्चा मैंने कर रखी है। अपने सुरक्षा को लेकर के हमेशा ही आसान जो है वो जागृत रहें, कभी भी लापरवाही ना रखें और पशुओं से बचें, पशु सिंह वाले जानवरों से बचना चाहिए, गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, ऊंचाई पे जाकर के नीचे देखने का खतरा, वो कई बार अटैक आने की स्थिति बनती है, पूल में ना नहाएं, गहरे पानी में मैंने बताया नहीं जाएं, और अपने बेटी और बहनों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहें उनकी सुरक्षा को लेकर के। गुरु के बाद शुक्र एकादशवें भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में, अनुभव का मालिक, ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु उच्च के देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताई थी। गुरु की दृष्टि अगर शुक्र पे पड़े तो व्यक्ति को अनुभवगम्य बोधगम्य तार्किक और बुद्धि लब्धि क्षमता मजबूत, और वास्तव में जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के वो उसको देख रहे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो कभी कभी व्यक्ति को पेट का रोग और नाभि के क्षेत्र को कमजोर भी करते, गर्भ ठहरने में दिक्कत, कई बार गर्भ में बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा और गर्भ की समस्या ये भी होती है, पर अब तो वो बात खत्म। शुक्र बुध के नक्षत्र में और बुध जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य के नक्षत्र में, अब ऐसी स्थिति कि शुक्र की स्थिति एकमात्र दृष्टि पड़ी और जन्म कुंडली में वो व्यय को बढ़ा रहे, मतलब इस भाव को, तो व्यक्ति के जीवन में जितने भी सकारात्मक भाव शुक्र जहां बैठते हैं उसे अगले भाव के फल को बढ़ाते हैं, तो शुक्र यहां बैठे तो इस भाव का फल तो कैसे बढ़ेगा, तो व्यक्ति का व्यय सही जगह पे होगा क्योंकि यहां का अधिपति स्वयं गुरु है जो कि सप्तम में आकर के लग्न को देख रहा है। बाहर जाए उसका धन, धर्म में जाए उसका धन, अपने अंडर में लोगों को, कुछ लोगों को खटाने का भाव पैदा करता है, वो मालिक बन के रहे, ये शुक्र इस तरीके का भाव बढ़ाएंगे क्योंकि शुभ ग्रह की राशि बनी है, और वहां पे व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को खटाता है पर बिस्तर का प्रेमी, थकने के बाद सबसे पहले बिस्तर की याद, ट्रेन के सफर में व्यक्ति को बिस्तर की याद, और भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त न होने की स्थिति, सैया सुख का भाव बहुत प्रबल और बहुत बेहतर, उसमें कोई समस्या नहीं। शुक्र जीवन में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, नाभि का क्षेत्र मैंने कहा प्रभावित, और उसके बाद जीवन की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति ये शुक्र आपको करते हुए देखे जा रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई संशय की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुख भाव का अधिपति उच्च का है, उसको बल यहां से मिला, उसको बल यहां से मिला और उसको बल यहां से मिला।
पांच से सात तरीके से। लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में, गुप्त और गूढ़ विद्या और पैतृक संपत्ति का लाभ। द्वितीय भाव का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देख रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी संतुलित और वाणी का लाभ, पर वहां पे कई बार नुकसान ज्यादा हो रहा है, उसका लाभ कम नुकसान ज्यादा, शनि राहु और केतु और चंद्रमा के बैठने के कारण, पर धन से स्थिति कमजोर नहीं। तृतीय भाव के अधिपति गुरु उच्च के, ये बहुत बढ़िया, व्यक्ति के पराक्रम, छोटे भाई बहन, सगे संबंधी और व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर और व्यक्ति की यात्रा करने का प्रेमी व्यक्ति को बना देते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति उच्च के, संपूर्ण प्रकार के सुखों को देने वाले और व्यक्ति में ऊर्जा का संचार और कभी भी निडरता से जीवन को जीने वाला बना देते हैं। पंचम भाव का अधिपति अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देखेगा, व्यक्ति को शिक्षा का मालिक, प्रबुद्ध, बुद्धिमान, प्रेमी और जी तोड़ करके प्रेम करने वाला। हाँ, प्रेम करे तो कुछ भी समझ में ना आए, हिंसक नहीं होता प्रेमी, और प्रेमी उदार प्रेमी होता है, सब कुछ लुटा करके प्रेम करने वाला शुक्र के कारण, और सब कुछ सुंदर है जितना जो होना चाहिए, ये शुक्र के कारण। बुद्धि उतनी, शारीरिक दक्षता, शारीरिक मजबूती, शारीरिक वाणी में प्रगल्भता, ये सब कुछ सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव। चेहरे में राहु केतु का असर है, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होता है तो कभी कभी चेहरा थोड़ा अजीब सा होता है जरूर ही, लेकिन सूर्य बुध लग्न में बैठे हैं तो सौम्य भी बनाते हैं, हालांकि इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। छठे भाव के अधिपति बुध लग्न में, ऋण में ना जाएं, ऋण किसी को ना दे, धन देने से बचें, और दे दे तो समझ ले कि अब आने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में जो बैठा है उस स्थिति में है कि उस पर राहु का असर तो है और पक्के तौर पे उसे शनि भी देख रहे हैं, गुरु से वो केंद्र में नहीं है, गुरु से षडाष्टक में है, उस पर किसी और अन्य शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से चंद्रमा थोड़ा खाली है, उसको बल चाहिए होता है दृष्टि के, ग्रहों के दृष्टि का। हाँ, एक अलग बात है और जो कि बड़ी अद्भुत है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, और एक और भी अद्भुत बात है कि मंगल और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से आगे पीछे हैं। मंगल से आगे चंद्रमा व्यक्ति को शांति प्रदान करता है और व्यक्ति को सुकून से जीवन जीने वाला बना देता है, उसको बहुत ज्यादा एक अवस्था में आने के बाद भागदौड़ नहीं मचती है, वो आराम से बिस्तर पे लेट करके अपना वक्त बिताना चाहता है और आइसोलेट होना चाहता है। वैराग्य की भावना कई बार बहुत ज्यादा प्रबलता से, मजबूती से व्यक्ति को प्रताड़ित करती है, अकेले रहना चाहता है, मशक्कत नहीं करना चाहता, ये बात भी दिखती है। और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के, ये ठीक नहीं था, ये मैंने शुरू में ही बताई बात कि अगर कोई दिक्कत आई भी होगी दाम्पत्य में या छोटे बेटे के स्वास्थ्य में अगर कभी भी समस्या आई होगी तो निस्संदेह ये इसी के कारण आई है। अगर छोटा बेटा रोग है, पेट से रोगी है, तो इसी के कारण आई है। अगर वो आलसी है तो वो इसी के कारण है, चंद्रमा और गुरु और शनि के कारण। अष्टम भाव के अधिपति सूर्य लग्न में, आयु बढ़िया, लंबी आयु, व्यक्ति चीरकाल तक जीने वाला होता है, सुखी, मानी, अभिमानी, घमंडी, रश्यालु, द्वेष, छल भी है, वाचाल भी है, और कभी भी किसी से हार मानने वाला नहीं है, वो किसी पुरुष से कम नहीं है। गौर करिए, जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध ये स्त्री कारक राशि, जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु पुरुष राशि में, ये ठीक नहीं, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, अगर वो स्त्री की राशि में बैठा है, अगर ये किसी जातिका की कुंडली है तो चंद्रमा को पुरुष राशि में नहीं बैठना था, उसको किसी स्त्री राशि में बैठना था। अगर कोई जातिका है तो उसकी कुंडली में सूर्य को, मंगल को, बुध को स्त्री राशि में बैठना था, वो बैठे हैं तो इसका लाभ दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और केतु का लाभ थोड़ा कम मिलेगा। अब जरा गौर करिए, तो शुक्र स्त्री कारक राशि में बैठे हैं तो शुक्र का लाभ मिलेगा, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी, यश देंगे, कीर्तिमान स्थापित करेगा व्यक्ति, लाभ मिलेगा उसको, धन की प्राप्ति होती है, कई जगह से धन भी कमाएगा पर शुद्धतम तरीके से। भाग्य की बात कर रहा था, भाग्य के अधिपति लग्न में धार्मिक प्रभाव से युक्त और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, और कभी भी किसी, जो व्यक्ति सामने से अगर मजबूती से इकट्ठा करके आया लड़ने के लिए, तो उसका मान मर्दन करने वाला, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, और कभी भी किसी से जूझने के लिए हमेशा तत्पर, किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ने की जो ताकत होगी वो बुध देंगे, क्योंकि यहां के अधिपति होकर के लग्न में बैठे, ये बुध यहां के नहीं देंगे, ये धार्मिकता पैदा करेंगे, लेकिन ये बुध व्यक्ति में जीवटता और साहस भरने का काम करेंगे, परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत होगी वो ये बुध देंगे, मिथुन देगा, ये कन्या नहीं, समझ में आ रही है बात। हाँ, दशम भाव के बारे में अगर चर्चा करते हैं, यहां पर शनि की उच्च राशि और सूर्य की नीच राशि, सूर्य इस नीच राशि से केंद्र में और शनि इस उच्च राशि को देख रहे हैं, यानी कि किसका बल बढ़ रहा है, शनि का बल ज्यादा बढ़ा ना, क्योंकि शनि उसको देख ले रहे हैं, वो लग्नेश भी है, कुंडली में मजबूत है, और इस कुंडली के लिए तो सूर्य महत्वपूर्ण ही होते हैं खाली, तो इस वजह से व्यक्ति का कर्म वाला सेक्टर बहुत बढ़िया है,
सामाजिक उत्थान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने की अगर योग्यता और क्षमता रखता हो तो उसमें भी जा सकता है। राहु के साथ शनि का प्रभाव है, वो है उसके पास, उसके पास वो अचानक से भीड़ कहीं ना कहीं से आ जाती है जिसका उसको सपोर्ट मिल जाता है। अनायास उसको कई बार लोग जब कभी भी विपरीत परिस्थिति में उलझा रहता है किसी न किसी का बल मिल जाता है जो उसको उस विपरीत परिस्थिति से निकालने में उसकी मदद कर देता है और करेगा हमेशा। एकादशवें भाव के अधिपति मंगल उच्च के, ये बहुत बढ़िया, खुद के ही घर में जन्म कुंडली के पंचमेश को बिठाया है और खुद उच्च का हो गया और उसके साथ मित्रता भी कर रहा है तात्कालिक मित्रता में, क्योंकि जिस राशि में शुक्र बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे निकट ही बैठा है तो लाभ का प्रभाव बहुत बढ़िया है, कुंडली खराब नहीं है। कुंडली कमजोर कहां है इस पे जब चर्चा करते हैं तो गौर करिए आपकी कुंडली में कमजोरी राहु के साथ शनि का बैठना, वो लग्नेश होने के कारण कमजोर है। मैं इसलिए नहीं कमजोर कह रहा कि वो शनि है, मैं कमजोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लग्नेश के साथ राहु है। अगर वो लग्नेश नहीं होते और शनि ऐसे ही कोई ग्रह होते और राहु के साथ बैठे होते तो अद्भुत तरीके से कई प्रकार का लाभ दे सकते हैं। और व्यक्ति ने जो सवाल पूछे हैं वो जरा गौर करिएगा, व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि क्या मैं गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं के क्षेत्र में जा सकता हूं, मन को पढ़ना, हिप्नोटिज्म, पता नहीं क्या क्या होता है उसको तो मुझे पता भी नहीं है, पर हां ये गुप्त विद्याओं का भाव है, आप उसमें जा सकते हो। और एक बात और भी है जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं कोई भी कुंडली यहीं पे देखता हूं, उससे पहले ना तो देखता हूं और नहीं देखता, बस यहीं देखता हूं और ये गुरु जी की कृपा है, और सवाल भी नहीं सुनता, बस पूछ लेता हूं क्या क्या लोगों ने जानना चाहे। पर ये तो पहली बार हो रही है, बहुत कम बार हुआ है जब मैंने सवाल लोगों से लिए, सवाल ले भी लेता हूं पता तो मैं पहले ही देता हूं, तो ये बात है। बारहवां भाव मोक्ष, उसका अधिपति उच्च का लग्न को देख रहा है, वक्री है और शौच है, कर्म करना ही होगा, राहु शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, अब आपको पाप नहीं करना चाहिए, ये तो किसी को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लग्न में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति को कई बार क्रूर और हिंसक बना देते हैं। पर आप मकर लग्न के प्रभावित, मकर लग्न से हो, कार्मिक ज्यादा हो, प्रैक्टिकल ज्यादा हो, किसी भी चीज को कई तरीके से सोचते हो, उसमें दिमाग लगाते हो, तिकड़म भिड़ाते हो, सूर्य बुध है मंगल के कारण ऐसी बात होती है। अब आपकी कुंडली में मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूं आपकी कुंडली में ग्रहों के बारे में, तो अभी दशा आपके ऊपर से जो चल रही है वो चल रही है शनि की, और ये शनि आपकी कुंडली के लिए 19 डिग्री के हैं। 19 डिग्री का जो शनि होता है वो वृद्ध हो जाता है, गौर करिए ये विषम संख्या की राशि है तो वृद्ध हो जाएंगे, यानी कि लग्नेश वृद्ध होने के कारण उसके पास अनुभव है पर उसका लाभ बड़ा कम मिलता है। जन्म कुंडली में अगर मैं बात सूर्य की करता हूं तो सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं 16 डिग्री के, वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया 16 डिग्री, ये तो यहां भी देख सकता हूं, सूर्य बहुत बढ़िया। चंद्रमा ये भी ठीक है पर थोड़े मतलब ठीक है, वो भी बढ़िया है सामान्यतः, वो भी परिणाम देंगे। मंगल बहुत बढ़िया, बुध सामान्य, गुरु जन्म कुंडली में ये भी ठीक है, 6 अंश से आगे उच्च के तो हैं तो ये बढ़िया है, उसमें कोई समस्या नहीं। शनि शुक्र थोड़े कमजोर क्योंकि ये सम संख्या की राशि है और 29 डिग्री पे है, इस वजह से थोड़े कमजोर है, कमजोर भी रहेंगे और कई बार उसकी वजह से भी कई बार चीजें जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिले, अगर ये कमजोर हैं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा परिणाम उनका मिलेगा कि व्यक्ति जितना चाहे, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां पे ग्रह जो है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है और वो मूलतया अष्टम भाव की राशि है, इस वजह से वो बात बनती है। अब क्या बताऊं, अब विशेष चर्चा आपकी कुंडली पे कल करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।